चुनावी प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने चुनाव में अपनी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज अम्बाला कैंट से आजाद उम्मीदवार चित्रा सरवरा ने अपना तूफानी प्रचार किया। सभी जगह उनका जोरदार स्वागत हुआ। लोगों का इतना जन समर्थन देख चित्रा सरवरा गदगद हो उठी। उन्होंने लोगों से वादा भी किया कि अगर उनका साथ मिला तो वो यहाँ के लोगों की सभी समस्याएं दूर करने की कोशिश करेंगी। उन्होंने अपना मुकाबला केवल अनिल विज से माना है। जब उनसे पूछा गया कि एक तरफ आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ आपके पिताजी कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं अम्बाला की बेटी हूं और मैं नहीं समझती कि इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है। उन्होंने कहा कि उनकी अपनी कर्मभूमि है और हमारी अपनी। बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी। पहले 15 लाख रुपए देने की बात कही थी, अब 2100 रुपए देने की बात कह रहे हैं। अब जनता बीजेपी के जुमलों में फंसने वाली नहीं है। मैं अम्बाला की बेटी हूँ, अम्बाला की छत आसमान और घर और आशीर्वाद के नीचे चुनाव लड़ रही हूँ और मैं नहीं समझती इसमें कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह का है। कोई विरोध आपस में किस तरह का कोई नहीं? विरोध नहीं, हमारा उनका अपना कर्म भूमि था, हमारा अपना था, हमारी टीम अलग थी, हमारा काम अलग था, हम तो जिस रास्ते पे चले थे फैसला भी हमारा अपना अलग था। जब टिकट कट के मैंने बाहर पैर रखा तो वहाँ पे मुझे मेरे पिताजी ने मुझे अम्बाला के साथ ही खड़े हुए दिखे थे और सबका साझा फैसला था भी हमने मेहनत करी है। 1 टिकट देती है पार्टी, 2 लाख टिकटें भी अम्बाला की देनी बाकी है, उनसे जाके हाथ जोड़ के मांगे। मैनिफेस्टो में 2 लाख नौकरियां देने की बात कही है बीजेपी ने, कैसे देखते हैं? उन्होंने तो 2 करोड़ देने की भी बात करी थी, अब 2100 कुछ दे रहे हैं, 15 लाख देने की भी बात करी थी। भाजपा के मैनिफेस्टो में या मैं कहूँ जुमले में अब जनता नहीं फंसने वाली। उन्होंने कहा कि आज जो जन समर्थन मातृशक्ति और बाकी लोगों से मिल रहा है उसके लिए मैं उनकी आभारी हूं। वहीं उन्होंने अपनी मेहनत और भरोसे को व्यर्थ न जाने देने की बात कही। जब उनसे पूछा गया कि आप कांग्रेस से नाराज होकर चुनाव लड़ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं नाराज होकर नहीं लड़ रही बल्कि 10 साल से इलाके के मुद्दे को लेकर लड़ रही हूं। ये साफ जाहिर है अम्बाला बदलाव चाहता है और उनको एक बात पता चल गई है कि आज चुनाव सिर्फ मेरे में और अनिल विज जी के बीच में है, कमल के बीच में और सिटी के बीच में है। तो इस बदलाव को सुनिश्चित करने के लिए सारे साथी, मैं कहूँगी सारे समाज, हर वर्ग आज अम्बाला का एक आंदोलन का रूप ये चुनाव लेता चला जा रहा है। आज हमारा सिर्फ राजनीतिक नहीं, नैतिक चुनाव है और जो जन समर्थन प्यार मातृशक्ति से और सबसे मिल रहा है। चित्रा सरवरा ने कहा कि जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनको लोगों ने देखा ही नहीं, हमारी मेहनत है जिसको आज ये जनता आशीर्वाद देकर चुका रही है। आप इस मामले पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।